एक दिन पहले ही शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष जुबैर अंसारी ने पार्टी को टाटा बाय बाय कहा था और भिवंडी जीजाऊ विकास पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भिवंडी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नीलेश सांबरे के हाथों पार्टी का गमछा पहन शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए जीजाऊ विकास पार्टी में शामिल हो गए थे और बकाया सैकड़ों लोगों के सामने। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने इसका संज्ञान लिया और रूठे हुए कार्यकर्ताओं और खुद जुबैर अंसारी को मनाते हुए उन्हें वापस से शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं इस मनमुटाव की खबर मुमरा के आमदार व पूर्व मंत्री जितेंद्र आवार को भी लगी तो उन्होंने जुबैर अंसारी को अपने आवास पर बुलाकर आश्वस्त कराया और कहा कि अगर कोई भी आपको शिकायत है तो वह सीधा उनसे बात कर सकते हैं। तो 24 घंटे पहले सालों से जिस पार्टी में अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की सेवा दे रहे थे, छोड़कर जाने वाले जुबैर अंसारी एक बार फिर से घर वापसी करते हुए आए और बाल्या मामा को जिताने की अपील की। राष्ट्रवादी में थे, उसके बाद जीजा संस्था में और अब दोबारा राष्ट्रवादी में, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा सफाई देंगे। राष्ट्रवादी में मैं था, थोड़ा मेरे जो कार्यकर्ता मेरे जो टीम के लोग हैं उन लोग से आपस में बात किया, कुछ नाराज़गी थी हमको, जो पहले भी बोला था कि पार्टी में कुछ मान सम्मान नहीं मिलता था, इस वजह से मैं वो राष्ट्रवादी छोड़ के जीजाऊ को समर्थन दिया था। बाकी अभी ऐसा हुआ कि बाद में जब शोएब भाई को मालूम पड़ा, शोएब भाई आए, मेरे सब जो लोग थे उनसे मिले और उनको बोले कि ठीक है जो भी था अब वो ख़त्म करो, मतलब जैसे लोगों को इज्जत मिलती थी वैसे तुमको ही मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जितेंद्र आवाड़ साहब का ही फ़ोन आया था, वो भी बोले कि क्यों तुम छोड़े, और बोले कुछ है तो मेरे को बोलो, और शोएब भाई को ही फ़ोन करके बोले जो भी। और अभी वापस में शोएब भाई भी आए ऑफिस में, मेरे सब मेरे लोग से मिले, बात किए, मैं वापस राष्ट्रपति में आ रहा हूँ और इंशाल्लाह बाल्या मामा की जो लहर चल रही है मैं भी बाल्या मामा का ही काम करूंगा और वापस राष्ट्रपति में आ रहा हूँ। देखिए अभी भिवंडी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन का जब माहौल रहता है अफरा तफरी बहुत रहती है, यहाँ पब्लिक को भी संभालना रहता है, नेताओं को भी संभालना रहता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संभालना रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जगह तालमेल में कुछ कमी रहती है। जुबैर भाई जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जुबैर भाई मेरा उनका कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, वो भले से मेरी पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पे हैं, हमारी दोस्ती हमारे दोनों में एक भाईचारगी की मोहब्बत थी और जुबैर भाई हमेशा मेरा अच्छे ही सोचते थे माशाल्लाह, और मैं भी उनका हमेशा अच्छे सोचता था। लेकिन इनके कुछ इनके जो भी दोस्त थे या इनके कार्यकर्ता थे ऑफिस में गए होंगे, प्रोग्राम में गए होंगे, कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान जो चाहिए था हो सकता है नहीं मिला हो, उनको नाराज़गी थी, तो जुबैर भाई ने दबाव में या टेंशन में आके ये फैसला जो लिया, मैं समझता हूँ बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि एक ज़िम्मेदार आदमी को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे पारिवारिक के वो थे, वो मुझसे आके झगड़ सकते थे, लड़ सकते थे, बोल सकते थे भाई ये तकलीफ़ है मुझे और मैं नहीं सुनता, उसके बाद ये लोग जाते तो इतना मुझे तकलीफ़ नहीं होती। जुबैर भाई के जाना मतलब मेरा एक हाथ चला गया, ये हालत हो गई थी, मुझे उस दिन बहुत टेंशन था। मैं जुबैर भाई को आके मिला, उनसे बातें की तो उन्होंने सब बताया जो भी उनको तकलीफें थी या उनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ थी, तो उनके कार्यकर्ताओं से उनके दोस्तों से मैंने रब्ता किया, उनसे बात की और मामूली सी बात थी, कोई बहुत बड़ी मामले नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनको वादा किया कि आगे ऐसी शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपने देखा है कि मैं 13-14 साल से कांग्रेस से मैं आज संगठन में हूँ और मुझे संगठन के लोगों से बहुत मोहब्बत रहती है, मैं अपने कार्यकर्ताओं में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। अब मैंने अगर कहीं गलती किया हो तो एक मतलब समझ में आता है, अब किसी की नाराज़गी मेरे ऊपर उतारे वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो किसी ने नहीं इज्जत दिया होगा, किसी मामला हुआ होगा, लेकिन जुबैर भाई की टीम एक मजबूत टीम है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने मेरे आने के बाद और जितेंद्र आवार साहब के फ़ोन करने के बाद इन्होंने अपना फैसला चेंज किया और वापस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी में वापस से दो दिन के अंदर वापस आए और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
और हमारी ताकत वापस से जो कम हुई थी इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।